ये हमारी जो कलेक्शन थी ये हमारा ब्राइडल एडिट ही था और हमारे गारमेंट्स हमने इस बार जो बनाए वो थोड़े से हटके थे क्योंकि कोविड वेडिंग्स थोड़े से हटके ही हो रही हैं. सो द गारमेंट्स आर लिटिल लाइटर इन वेट एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द गारमेंट्स वी मेड, बट दिस इज़ आर ब्राइडल एडिट बिकॉज कोविड में हम बहुत कुछ नहीं हुआ लेकिन शादियाँ तो हो ही रही हैं, लोग शादियाँ कर ही रहे हैं. तो वो शादियों के लाइक जो कपड़े थोड़े से हल्के हुए क्योंकि उनके अभी ऑडियंस 50 लोग का भी होते हैं, कभी 200 होते हैं. And so this is my bridal edit and I'm very excited about it. I made this whole digital blue collection which is apt for someone's sangeet or for someone's, pool party. And this is my version of a bridal outfit. And you know, is it the reception or the pairas or what? More the reception, honestly. Okay. More the reception, but a bridal outfit. So like, you know how the East meets the West. Hmm. So if you look at the bottom part of it, it is very gowny. And the rest of it is, you know, there's an Indian. Yeah. So it's like a fusion of an Indian global garment. Hmm. Then that's what I've done. I've enjoyed making this ghera very much because it's such a unique ghera. And I totally enjoyed making the trail for her. It was such a magical look and feel when she walked in with the trail. And I just feel, sorry to cut you there, but मुझे खाली ऐसे लगता है कि you know this is something that I would wear on my reception because it is not very traditional and it's not very western. It's somewhere in between. तो वो comfort level भी है जहाँ पे मेरे हाथ फंस नहीं रहे, मैं dance भी कर सकती हूँ and it's just that you are free, you're not constrained in. और वजन भी बहुत नहीं है इस पीस का. एंड अगर देखा जाए तो अभी हम सब ना ग्लोबल सिटीजन ही बन गए हैं. लाइक एनी गर्ल, इफ यू आस्क आपने लास्ट टाइम कब साड़ी और सलवार कमीज पहना था तो वो एक सेकंड लगाती है जवाब देने में, दिवाली पर बोलती है या शादी में. तो ये नहीं होता कि रोज कोई पहनता है. तो जब हम एक इंडियन गारमेंट बनाते हैं, हम सब एक ग्लोबल सिटीजन बन गए हैं. सो दैट्स व्हाई वी ऑल बिकम, दैट्स व्हाई मेड ऑल द कलेक्शन इज लाइक अ फ्यूजन, यू नो. सो आपने इनका ही सवाल है कि आपने लास्ट टाइम कब पहना था लाइक साड़ी. उनके सवाल में ही जवाब था दिवाली. ओके, सो सेम कलर यूज किया है मैंने अपने शोस्टॉपर के, जो कलर वो सेम, कोई खास वजह? तो अर्चना के साथ मैंने काफ़ी रैम्प वॉक्स किए, मैंने उनके शो को काफ़ी बारी स्टॉप किया है. आई थिंक ये अर्चना का पैटर्न है कि जो उनका शो स्टॉपिंग गाउन होता है या जो भी आउटफिट होता है वो हमेशा उससे मैचिंग में ही पहनती है बिकॉज एस्थेटिकली जब आप एंड फ्रेम में सारी मॉडल्स होती है, आर्टिस्ट होता है, डिज़ाइनर होता है, सो इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल फ्रेम ऑल टुगेदर. वो थोड़ा इम्बैलेंस नहीं लगता. सो वेल सर, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारी जब ऑडियंस होती भी है तो 300 लोग ही होते हैं ना, 400 लोग ही होते हैं ना, एक्चुअली में उससे ज़्यादा तो कभी नहीं होते. तो जो पिक्चर देखते हैं वो तो लाखों लोग होते हैं ना. तो पिक्चर अगर लाखों लोग ने देखनी है तो हम पिक्चर परफेक्ट ही बनाएं. तो पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा. तो मैं जनरली उनका बहुत खूबसूरत बनाती हूँ शोस्टॉपर को और अपना एक सिंपल वर्जन उसका बना लेती हूँ, यू नो. पिक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है. खत्म हो रहा है. हाँ, फाइनली खत्म हो रहा. 21 में अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या कुछ ऐसे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं? प्रोजेक्ट्स हैं, दो प्रोजेक्ट्स हैं. अब देखते हैं चालू कब हो रहा है पता नहीं, बिकॉज ये साल अप्रैल में ही स्टार्ट होने वाला था पर थैंक्स टू कोरोना मामा तो वो नहीं हुआ. फिंगर्स क्रॉस्ड अगले साल कोशिश, मतलब उम्मीद तो यही है कि चालू हो जाए. और दूसरी बात, आई जस्ट वॉन्ट एवरी थिंग टू गेट बैक टू नॉर्मल. दैट्स इट. दिस फियर में जो हम जी रहे बस उससे निकल जाए. हाँ, वही जो हमने लॉकडाउन में किया, फैमिली के साथ घर पर टाइम बिताने वाले. मैं इस साल न्यू ईयर के लिए आप बताइए जी. मैंने एक बनाई कलेक्शन जो लोग न्यू ईयर्स पे और क्रिसमस पे पहन सकते हैं वो तो बनाई ही है. और ऑन अ पर्सनल लेवल मैं एक क्रिसमस ट्री लगा रही हूँ इस साल और मैं डेकोरेट करके. मुझे ऐसे लगता है ये कोरोना ने एक चीज़ सिखाई है कि हमें हमारी छोटी छोटी खुशियाँ मना लेनी चाहिए. बड़ी खुशी कब आएगी वो तो हम सब में से किसी को नहीं पता, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ मना लेनी चाहिए. सो आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इन अ स्मॉल वे विद द फैमिली अगेन, जैसे वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग विद द फैमिली विच इज़ ब्यूटीफुल, सिंपल स्मॉल वे, बट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट. बट ऑन अ पॉजिटिव, अगर जैसे हम 2020 में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हुई जिसकी वजह से बाहर स्टेप आउट नहीं कर सके, बट ऑन अ ब्राइटर साइड अगर देखें तो हमने बहुत ज़्यादा अपनों के साथ कनेक्ट किया है. हम जहाँ दिवाली और जितने भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं वो हमेशा अलग अलग मनाते रहे. तो ये एक ऐसा साल है जो सबको याद रहेगा कि पूरी फैमिली ने इकट्ठा मिल के एक ही छत के नीचे सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए. एक विश आपकी तरफ से न्यू ईयर एंड क्रिसमस की. ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी शाह एंड दिस इज
अर्चना कोचर. वी विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस. वी विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच.